एक सॉलिड स्फेयर है। एक सॉलिड स्फेयर को मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से फेंक दिया घुमा के अपने हाथ से। तो मैंने चाहा कि वो स्लाइड ज़्यादा करे और रोटेट कम करे। बस मुझे ये बता दो, इस डायग्राम को देखते हुए, बस ये गिवन है डायग्राम, ये छोड़ो इसे, इस डायग्राम को देखते हुए कितने लोगों को पता लग रहा है कि प्योर रोलिंग नहीं है? इस डायग्राम की शक्ल देखते ही बता दिया लोगों ने प्योर रोलिंग नहीं है। कैसे? नहीं, हटा दिया मैंने, नहीं मैंने हटा दिया, तभी तो हटाया मैंने, फ्रिक्शन तो दे दिया, फिर तो प्योर तो बोल ही दोगे कि प्योर रोलिंग नहीं है। हाँ अब बोलो। हाँ, जब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो V इज इक्वल टू 2R ओमेगा के बन है, यानी कि V सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन R ओमेगा। तो वो बोल नहीं रहा कि रोलिंग है कि नहीं, ये तुमने अज्यूम करना है कि ये प्योर रोलिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्योर रोलिंग में V इक्वल टू R ओमेगा, यहाँ पर ग्रेटर देन R ओमेगा है। पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसलिए ये फ्रिक्शन देगा नहीं वो आपको, ये तुमने अज्यूम करना है कि भाई यहाँ पर तो काइनेटिक है, क्योंकि V इज इक्वल टू 2R ओमेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बड़ी है, तो बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा स्लाइड करेगी, तो काइनेटिक काम करेगी पीछे की तरफ, कोई डाउट? ठीक है। और ये किसने फेंका? ये मैंने फेंका स्फेयर। कैसे? जैसे वो नहीं, वो कौन सी गेम है, वो बोलिंग, तो आप वही तो करते हो। आप प्योर रोलिंग में कहाँ फेंकते हो, आप जानबूझ के उसे इम्प्योर में फेंकते हो, और थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाती है, प्योर हो जाती है। ये वही एग्जांपल है। तो तुमने बोलिंग खेली और उसकी वी सेंटर में ज़्यादा कर दी, और थोड़ी देर रास्ते के बाद काइनेटिक काम की, और कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, प्योर रोलिंग में आ गई। समय बताओ कितनी देर बाद आई, ये क्वेश्चन है, कितनी देर के बाद आई ये बताओ। तो यानी कि तुम्हारा सरफेस डिसाइड करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन डिसाइड करेगी कितनी जल्दी उसको रोलिंग में लेके आना है। हाँ, जब काइनेटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाएगी स्टैटिक में, तब तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक हो गई तो मेरा क्वेश्चन खत्म, टाइम खत्म। तो स्टैटिक तो डिस्कस ही नहीं करूंगा, काइनेटिक के साथ ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो स्टैटिक में नहीं आती तब तक वो काइनेटिक है। हम बिल्कुल सही। हाँ, वो कह रहा है जी प्योर रोलिंग में आने का मतलब है V इज इक्वल टू R ओमेगा हो जाएगा, अभी R ओमेगा है नहीं, बाद में R ओमेगा। तो कितनी देर में? एक्सेलरेशन के ऊपर, मतलब सेंटर ऑफ मास पे। एफ लगाया ही नहीं, ये लो छोड़ दिया, छोड़ दिया, बॉल जा रही है, अब बॉल तो छोड़ दी, यही तो गेम है। अगर एफ दे देता फिर तुम टॉर्क लगाते, सही बात है, पर मैंने तो एफ दिया ही नहीं, हटा दिया, मेरे हाथ से बॉल गई, मेरे हाथ से बॉल गई, अब फोर्स लगनी बंद है, मैंने वेलोसिटी देके छोड़ दी। अब है क्वेश्चन, एफ टॉर्क प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन, ऐसे कुछ करना पड़ेगा, फ्रिक्शन टॉर्क जनरेट करेगा। देखो, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन रोलिंग का सॉल्व करेंगे, आंसर नहीं आ पाएगा। रोलिंग को कभी भी ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है, रोलिंग को ब्रेक करना है, ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो या तो तुम बात करो सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे फोर्सेस की, या बात करो टॉर्क की, बस दो चीजें इकट्ठी अगर की तो गड़बड़ है, और अगर तुम इकट्ठा सॉल्व करोगे आंसर नहीं आएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। तो कभी भी रोलिंग की प्रॉब्लम है, चाहे वो प्योर रोलिंग है, चाहे वो इम्प्योर रोलिंग है, फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट एक ही है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। शुरू करते हैं। सबसे पहले इनिशियल सिचुएशन ये है कि आपको प्योर रोलिंग पे लेके आना है, इम्प्योर रोलिंग है, फिर प्योर रोलिंग में क्या हो जाएगा, वी फाइनल इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा फाइनल। अब सबसे पहले इनिशियली ओमेगा नॉट वी नॉट बाई टू आर गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी नॉट टू टाइम्स आर ओमेगा गिवन है, V नॉट ग्रेटर देन R ओमेगा नॉट गिवन है, डिस्कस हो गया। तो ये इम्प्योर रोलिंग है। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, V नॉट थी, और थोड़ी देर बाद प्योर रोलिंग में क्या हो जाएगी, Vf। तो सेंटर ऑफ मास पे काइनेमेटिक्स लगाएं, V इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो V इज इक्वल टू यू प्लस एटी में एक्सेलेरेशन चाहिए होगी। कौन सी फोर्स? इकलौती A की फोर्स काम कर रही है, जिसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन ही, ऐसा कैसे पता लगा मुझे? ये माइनस क्यों है? क्योंकि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक चलो एक मैं मान सकता हूँ स्लाइडिंग, हाँ ठीक है ओके डन। और ओके इस तो सिंपल, दोनों को सिंपल वर्ड में मैं कंबाइन कर देता हूँ, वी नॉट कम करना है, इससे सिंपल कुछ नहीं है, क्योंकि पहले वी नॉट, वी क्या है टू टाइम्स आर ओमेगा, अब क्या करना है आर ओमेगा, भाई तुमने वी कम करना है, तुम्हारी स्लाइडिंग ज़्यादा हो रखी है थोड़ी कम करो। तो आपने देखा होगा बॉलिंग में स्पीड बहुत तेज़ होती है शुरू में, बाद में वो आराम आराम से, तो वी बहुत तेज़ है वी स्लो हो गया, तो रिटार्डेशन है। और ठीक बोल रहे हो, काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा क्योंकि स्लाइडिंग जनरेशन हो रही है, तो रिटार्डेशन है इसमें। अब वी फाइनल इज वी इनिशियल माइनस एक्सेलरेशन इनटू टी, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर? टाइम लाने का तरीका ये एक है, सेंटर ऑफ मास पे वी इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, जिन क्वेश्चन में टाइम आएगा उनमें ये कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब सेम कॉन्सेप्ट लगाएं रोटेशनल पे, रोटेशनल पे वी यू प्लस एटी की जगह ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा नॉट कितना हो गया ओमेगा एफ, तो इक्वेशन क्या बनेगी ओमेगा एफ इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब टॉर्क किसने जनरेट किया? फ्रिक्शन ने, फ्रिक्शन पीछे थी ताकि क्लॉकवाइज टॉर्क हो, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है आर इंटू एफ आई टाइम्स अल्फा, तो यहाँ से आई का मतलब 2/5 एम आर स्क्वायर, यहाँ से आपने अल्फा निकाल लिया, इस अल्फा को यहाँ पुट कर लिया, आपके पास ओमेगा अल्फा गया। एक तरफ तुमने सेंटर ऑफ मास पे वीज इक्वल टू वो लगा दिया यू प्लस ए टी, और एक ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये तुम्हारे पास फाइनल ओमेगा एफ आ गया, फाइनल वी आ गया, और रोलिंग की कंडीशन क्या कहती है वी इक्वल टू आर ओमेगा। इधर से उठा के तुमने वी एफ पुट कर दिया, इधर से वी एफ पुट कर दिया, इसे सॉल्व किया, ओपन किया, ओपन करने में ओमेगा नॉट में फंस जाओगे, पर ओमेगा नॉट क्वेश्चन में गिवन है वी नॉट बाय टू आर, जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से टाइम आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है टाइम इतने समय के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन तो मुझे भी पता नहीं क्या आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्वेश्चन को ब्रेक कैसे किया। तो आपके पास रोलिंग को ब्रेक करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका जिसमें आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्सेस लगाते हैं या रोटेशनल मोशन में टॉर्क लगाते हैं, दूसरा तरीका रोटेशनल काइनेमेटिक्स जिनमें टाइम इन्वॉल्वमेंट है, वी इज यू प्लस ए टी लगाते हैं और ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाते हैं, और कोई तरीका नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? फिर ओमेगा ज्यादा होता, अगर घूमने की स्पीड ज्यादा होती, ठीक है बना लो, उसमें काइनेटिक उल्टी हो जाती है, एक तो तुम ऐसे फेंकते हैं ना, देखो तुम ऐसे फेंकोगे तो यार अलग है, तुम ऐसे टायर फेंको ना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ऐसे फेंका उल्टा, तो थोड़ी देर वो एडजस्ट करेगा फिर आगे भागता है, तुम्हें टायर फेंके देखे भी होंगे, फेंके देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही है, पहले ट्रांसलेशन फिर रोटेशन, तब की तब देखेंगे वो क्या करना है, वो अलग केस हो जाएगा, बट करना ऐसा ही है कुछ। सेंटर ऑफ मास रिटार्ड करेगा, उसमें भी वी यू प्लस ए टी लगेगा, ओमेगा इक्वेशन में सेम, एक ही कॉन्सेप्ट है, फोर्स ने टॉर्क जनरेट करना है, कॉन्सेप्ट है ही नहीं और कुछ, लगाए कहाँ से? ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है फाइनल वेलोसिटी वी क्या होगी, वी इज यू प्लस ए टी में टाइम को ये पुट कर दो, फाइनल वेलोसिटी का आंसर आएगा, आपको जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया है 6/7 इनटू वी नॉट। एक्सेलरेशन बहुत केसेस हैं, तुम टायर कैसे फेंकते उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये करने का, इसका मेथड नंबर वन है ये, मतलब कई बुक्स ऐसे करना पसंद करती हैं, गलत नहीं है कुछ भी, बहुत सही तरीका है, और इसमें बिल्कुल भी दिमाग पे बोझ तो है ही नहीं ना, एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन देखी जाएगी जो होगा आगे, ऑप्शन में देखेंगे क्या करना है। एक आसान तरीका सेम क्वेश्चन करने का, एक इजी तरीका है, और वो इजी तरीका मैंने आगे नोट भी किया हुआ है,
ये रहा, ये इसका सेकंड मेथड है, बहुत सही तरीका है, आपको यही फॉलो करना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ये एप्लीकेबल है और आपके क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आसान करने वाला है। देखो क्या, ठीक है, करें स्टार्ट। एक पॉइंट को समझ लें पहले। पॉइंट नंबर वन, आपको किसी ने ये कहा घर में कि आप जाओ अलमारी को ना आपने पुश करना है। आपने कहा जी मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं भी धक्का मारूँगा। तुम धक्का मारते हो और अलमारी गिर जाती है। वो तुम तो स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो, लंबी अलमारी है, होता क्या है वो स्लाइड करते करते टॉपल कर जाती है, समझ लो, इसको बोलते हैं पलट जाती है। तो तुम बोलते रहना यार वो ना टॉपल कर गई, टॉपल कर गई, इतने में तो यार काम ही हो जाएगा। ठीक, अब देखो आप कोई बॉडी कब टॉपल करती है और टॉपलिंग की कंडीशन क्या है इसको समझते हैं। इवन आपने ये भी इमेजिन किया होगा, आप अलमारी छोड़ो, आप कोई बॉक्स ले लो, एक बॉक्स को धक्का मार रहे हैं, नीचे टाइल कटी हुई है, वो ओपनिंग है थोड़ी सी, वहाँ के बाद तो पक्का ही गिरना गिरना है। और आप बॉक्स को भी छोड़ो, आप अपनी बात करो, कई बार वो टाइल उखड़ी होती है या कोई स्टेप आ जाता है, तुम्हारा भी पैर लगता है सीधा और तुम भी टॉपल हो जाते हो। मतलब तुम अच्छे भले स्लाइड, मतलब सीधा, या बच्चे खेल रहे हैं वो एकदम स्केट करते हैं, वो उसमें इतनी स्केटिंग होती नहीं है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है और फिर क्या हो जाता है, बंदा गिर जाता है। ये आम बात है, यही तो हो रहा है इसमें। तो हो क्या रहा है, देखो जब कोई भी बॉडी घूम रही है, कोई भी बॉडी घूम रही है, जब ये स्लाइड कर रही है, तो यहाँ पे अगर कोई हम कुछ ऑब्स्टेकल लगाएं, नेल लगाएं या कुछ भी लगाएं, जिससे ये वाला हिस्सा पलट जाएगा, देख रहे हो ऐसे, यही हो रहा है। अब जब ये पलट रहा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पलट रहा है, पलटने की कंडीशन तो बता दूंगा आपको, पलटेगा कब नहीं पलटेगा, प्रॉब्लम ये है कि इसका एक्सिस कहाँ है, एयर में नहीं है, वो तो घूम रहा है, इसका एक्सिस ये है, मेरी फिंगर है, ये देखो ये बनेगा इसका एक्सिस, ऐसे घूम रहा है। अगर जमीन ना होती, सोचो बॉडी आ रही है तो जमीन पे गिर गया, जमीन ना होती और सोचो ये चिपक जाता, ये देखो ये एक्सिस। तो आप ये इमेजिन करें कि जब आप किसी भी बॉडी को टॉपल करवा रहे हैं, तो उसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा, हवा में आ जाएगा ऐसे, और ये क्या बन जाएगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। आया है अभी टॉपलिंग के क्वेश्चन आ रखे हैं यार, ठीक अब हो जाएंगे, क्यों कहाँ पे आया था, अच्छा हाँ मैंने टॉपलिंग का डाल दिया क्वेश्चन, जो मैं अभी करवा रहा हूँ वो ऐसा ही था, ठीक है समझ गया मैं, एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर था, ठीक है याद आ गया, मैं अब देख ही रहा था, मैंने कहा थोड़ा जल्दी डाल दिया, आज के लेक्चर में डालता शायद ये क्वेश्चन और ठीक होता, मुझे पता नहीं कितना हुआ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये पॉइंट क्लियर है पहला। दूसरा, दूसरा अब इस बात को समझें, एक इस बात को यहाँ पर ऐसे समझें कि एक बॉडी, सेम क्वेश्चन है वो, देखो ना वैल्यू भी सेम है, इससे वो स्लाइडिंग करती हुई जा रही है, स्लाइडिंग ही हो रही है, फिसलती हुई जा रही है, सेंट्रोमा बहुत तेज जा रहा है, और फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो गई, प्योर रोलिंग हो गई, इसका एक्सिस क्या होगा जिससे ये पलट रही, देखो ये पलट ही तो रही है, ये इस तरीके से बस गोल है, वो पूरा जो क्यूब था तो मैं दिख रहा था, इसकी साइड उठ रही है, ये तो बेचारी एक सिर्फ रोटेशनल बॉडी है, ये तो ये इसका एक्सिस है, ये पेन इसका एक्सिस है, इसके अबाउट ये क्या कर रही है, पलट रही है, ऐसे गोल घूर रही है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इन टाइप की प्रॉब्लम में सेंटर नहीं होता, एक्सिस ये बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, इसके अबाउट इसने ऐसे घूम जाना है, तो इसके अबाउट ऐसे घूमना है, तो ये इसका बॉटम मोस्ट एक्सिस है, ये तो आंसर नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मैंने तो एक बॉडी को लिया और उसको बस स्लाइड करके फेंक दिया, अपने आप ही रोलिंग में आ गई, मैंने तो कुछ नहीं किया, एक्सटर्नल टॉर्क मेरा तो जीरो ही है, एक्सटर्नल फोर्स भी मेरी जीरो है, तो वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है फाइनली वही रहेगा। तो लगा के देखते हैं, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए के अबाउट, ये ए पॉइंट देख रहे हो स्लाइडिंग हो रही है, ए पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, अगर मेरा एक्सिस सेंटर ऑफ मास होता तो मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा,
लेकिन मेरा तो एक्सिस मैंने चेंज कर दिया, और जब एक्सिस चेंज करते हैं तो लास्ट टाइम सिखाया था आई ओमेगा तो रहेगा रहेगा, साथ में सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम क्या है, एम वी नॉट, और एक्सिस से डिस्टेंस कितना है आर। तो एम वी आर भी इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लास्ट टाइम ये करवाया था कि अगर एंगुलर मोमेंटम कहीं और एक्सिस पर निकालना तो कैसे निकालना है, तो आई ओमेगा तो रहेगा रहेगा, साथ में एम वी आर भी रहेगा। और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी है, शुरू में वी नॉट है और ओमेगा नॉट है। फिर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, प्योर रोलिंग में भी आई ओमेगा तो रहेगा रहेगा, लेकिन ओमेगा नॉट से ओमेगा हो गया और एम वी नॉट आर से वी सेंटर ऑफ मास आर हो गया एम वी आर, क्योंकि एम वी आर में बेसिकली क्या है कि ये ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस अभी भी ये बॉटम ही है, एक्सेस चेंज नहीं करना, सब कुछ बॉटम के अबाउट ही करना है। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल फाइनल इक्वेट किया, यहाँ पे आए शेयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर पुट किया, ओमेगा नॉट क्वेश्चन में गिवन था, आए पता है मुझे स्फेयर का। अब रोलिंग में प्योर रोलिंग आ चुकी है तो ओमेगा क्या होगा, वी सेंटर ऑफ मास बाय आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ से ओपन करके सॉल्व करके ये तीसरी लाइन में आपका आंसर वही आ गया जो आपने अभी निकाला था, सेम आंसर है, चेक कर लो।